गाइस पीएफपी नंबर 12 को देखो, और इस तरह का आपने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसको ध्यान समझना, आपको मजा आएगा। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास जो है वो 10 ग्राम है, उसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली। मैं यहां तक बना देता हूं कि एक बुलेट है, आपने उसको यहां से फायर किया है, तो ये फायर जब करोगे तो कुछ इस तरह से ये आगे को जाएगी। इसका मास आपको दे रखा है कितना है, 10 ग्राम की ये बुलेट है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है इनटू आप 5 kg वुडन ब्लॉक, तो मतलब आगे जो है इसके एक 5 किलो का वुडन ब्लॉक है। तो ये 5 kg, मैं इसके ऊपर दिखा देता हूँ, ये 5 kg का वुडन ब्लॉक है, ये कैपिटल एम है, 5 kg का ये वुडन ब्लॉक है, इसके ऊपर फायर किया गया है। तो जब आप फायर करोगे तो ये बुलेट जो है इसके अंदर कुछ इस तरह से समा जाएगी, ठीक है। जब इस तरह से समा जाएगी तो अब चूंकि इसके पास एक स्पीड थी, इसके पास मोशन थी, इसके पास अपना एक मोमेंटम था, जब ये इसके साथ टकराएगी तो ये वुडन ब्लॉक को अपने साथ आगे को खींचकर लेकर जाएगी। तो वुडन ब्लॉक जो है आगे को मूव करेगा, ये आगे को मूव करेगा, लेट सपोज कि ये वी वेलोसिटी से आगे को मूव करेगा। तो जब आगे को मूव करेगा तो एक तरह से इस पर एक आगे को फोर्स लगा, तो जैसे इस पर आगे को फोर्स लगेगा वैसे ही सरफेस के बीच में आप ये कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, जिसको आप एफ के कहते हैं। तो आपके पास एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा जिसको आप एफ के कहोगे, पीछे की तरफ को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आगे जाके, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गया, तो ये आगे जाके कुछ डिस्टेंस चल के रुक जाएगा ब्लॉक, बिल्कुल सही बात है। ये ब्लॉक कुछ इस तरह से रुक जाएगा बुलेट के साथ, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने वी कह रखा है, इसको आप वी ना कह करके कुछ और भी कह सकते हैं। इसको लेटर सपोज कि आपने यू कह दिया कि ये यू स्पीड से चलना शुरू कर देगा, तो मैं अगर इसकी बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है एस इज इक्वल टू कितने मीटर चला है, 20 मीटर तक ये कॉम्बिनेशन आगे को गया है। तो मैं यहां पर लिख दूं 20 मीटर। अब इसको आराम से पढ़ लो आप, मेरा तो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू अ 5 किलोग्राम वुडन ब्लॉक एट रेस्ट, ये रेस्ट में था, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस द। अब देखो आप कहोगे रेस्ट में था, फिर आपने ये स्पीड कैसे दिखा दी, ये ब्लॉक अकेला रेस्ट में था, अकेला। जब इसके अंदर बुलेट घुस गई तब तो ये आगे को मूव करेगा ना, बात सही आ गई, अब समझ में आ गई होगी। तो रेस्ट में था, हमसे कह रहा है एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वहां तक बात समझ में आ गई। आगे द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.1, तो आपको ये म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.1, ध्यान रखना। हमसे कह रखा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बुलेट, अब आपसे कह रखा कि बुलेट की स्पीड बताओ स्ट्राइकिंग द ब्लॉक, ब्लॉक पर स्ट्राइक करने से पहले। तो लेट अस सपोज की स्पीड यू थी, तो यू आपको बताना है, यू मत कहो क्योंकि आपने यू तो उसको बोल दिया, इसको आप यू डैश कह दो, चलो यू डैश आपको निकालना है, ठीक है। सब कुछ मैंने इस फिगर के अंदर मेंशन कर दिया। इफ द कॉम्बिनेशन मूव 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, तो चलो बता देंगे। यहां पर लिखो सॉल्यूशन, आप डायरेक्ट बात करेंगे, आप कहेंगे काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये एफ के हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू के। अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो इसके अंदर होगा क्योंकि इस पर ही लगेगा, क्योंकि ये मोशन में आया है, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात है तो जाहिर सी बात है ऐसा फोर्स जो कॉन्टैक्ट में हो, तो इसकी बात कर रहा हूँ। इसका जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू के इंटू आर होगा। अब आर का मतलब क्या है, आर है एक तरह का नॉर्मल रिएक्शन, और ये होता है वेट के बराबर। अब नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर यहाँ पर कैसे दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं वेट नीचे को लग रहा होगा। अब वेट कितना होगा, आप कहोगे इसके अंदर बड़ा वाला ब्लॉक भी है और बुलेट भी है और जीस है ना, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एफ के इज इक्वल टू म्यू के, और ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी के बराबर, ठीक है। अब ये जो एफ के है, आप समझें, ये जो एफ के है ये है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये किसके बराबर होगा,
किसके बराबर होगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, जो पीछे को लगा हुआ है, वो जस्ट किसके बराबर होगा? इस पर लगने वाला फॉरवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स किसकी वजह से आया होगा? क्योंकि बुलेट का अपना एक मोमेंटम है, तो मोमेंटम की वजह से फोर्स लगी होगी ना इस पर आगे की तरफ को, फोर्स एफ। तो इस फोर्स एफ की वजह से आया होगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये एम ए के बराबर होगा। अब इसको आप जो है एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रिटार्डिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि एफ फोर्स जो है ये रिटार्डेशन, क्यों रिटार्डिंग फोर्स है? क्योंकि इसके पास एक निगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा। क्योंकि अगर मैं इसको रिटार्डिंग फोर्स नहीं कहूँगा तो ये फिर यहाँ जाकर रुकता नहीं। रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए ये यहाँ जाकर रुकेगा, और जब यहाँ जाकर रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको रिटार्डिंग फोर्स कह सकता हूँ। इसको मैं माइनस एम ए कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तो माइनस एम ए मत कहो, क्योंकि एम जो है वो टोटल का मास है। तो आपको माइनस का टोटल का मास एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, ये किसके बराबर होगा? म्यू के टोटल का मास इंटू जी। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो आपके पास यू इज इक्वल टू आ जाएगा 6.26 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ जाए, आपके पास यू आ चुका है। ये यू क्या है? ये यू है वो स्पीड जिससे ये ब्लॉक आगे को मूव कर रहा है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इस बुलेट की स्पीड। तो ये क्यों निकाला? यू इसलिए निकाला ताकि आप इसकी मदद से इस ब्लॉक का या इस सिस्टम का मोमेंटम बता दो। अब आप कहोगे कि इसका मोमेंटम जो होगा, ये तो शुरुआत में रुका हुआ था, बुलेट इसके अंदर आकर घुस गई, तो जो बुलेट का मोमेंटम होगा वो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम के बराबर होगा। तो ये वाली बात आपको बेनिफिट पहुंचाएगी। तो आप कहोगे मोमेंटम ऑफ बुलेट ये किसके बराबर होगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अच्छा, बुलेट का मोमेंटम क्या होगा? बुलेट का मोमेंटम होगा बुलेट का मास, बुलेट की स्पीड। सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? सिस्टम का मास और सिस्टम की स्पीड, और सिस्टम की स्पीड है यू, ठीक है? सिस्टम की स्पीड है यू, तो मुझे यू डैश चाहिए। अच्छा, कैपिटल एम कितना है? यह है 5 किलोग्राम और यह है 10 ग्राम। 10 ग्राम, मैं 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से भाग, तो ये हो जाएगा 10^-2। तो ये हो जाएगा भाई 1000, मतलब ये है, मैं सही करके लिखूं इसको तो ये तो गड़बड़ा जाएगा, बहुत कम वैल्यू है। ये आ जाएगा इतने किलोग्राम, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम की वैल्यू है 5 किलोग्राम।
और ये एम जो है बुलेट का मास है जो कि 1/100 किलोग्राम होगा, और यू आप फाइंड आउट कर चुके हो 6.26, ठीक है। तो यू डैश कितना हो जाएगा, 100 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 626 ये हो जाएगा। और इसमें 5 में मैं इसको जोड़ूंगा, ये कितनी वैल्यू है पता, 0.0, देखो 1/100 जो होता है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो 0.01, 100 का मतलब होता है 0.01, जब 5 में 0.01 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5.01। तो वैल्यू ये जो है 5.01 है, आ हा हा 5.01। अब मल्टीप्लाई कर लो और आंसर पा लो, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो ये भी 3136.26, भाई यही आ रहा। चाहे आप भी अपना मोबाइल खोल कर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपके पास ये स्पीड आ चुकी है बुलेट की मीटर पर सेकंड में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी तो नहीं हुआ, अगर लेंथी हो गया होगा तो भाई मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर दूंगा। हाँ निकल चुका, 12 मिनट से ऊपर निकल चुका, मतलब इस वीडियो के 2 पार्ट हो चुके हैं। तो एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, ये बुलेट थी आपने फायर कर दी, ब्लॉक रुका हुआ था, तो शुरुआत में उसका कोई मोमेंटम ही नहीं होगा, जीरो होगा ब्लॉक का, लेकिन बुलेट को जब फायर किया तो बुलेट का अपने एक मोमेंटम था, बुलेट इसके अंदर जाकर घुस गई, तो बुलेट का जो मोमेंटम था वो इस पूरे सिस्टम के मोमेंटम के बराबर हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम हो गया बुलेट के मोमेंटम के बराबर, ठीक है। तो आपने यही चाहा कि अगर आप मुझे इसकी स्पीड बता दें तो मैं इसके मोमेंटम को इसके मोमेंटम के इक्वल रख के मैं इसकी स्पीड बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी स्पीड का नहीं पता। तो इसकी स्पीड निकालने के लिए मैंने देखा कि ये यार ये जो है 20 मीटर जाकर के रुक गया, इसकी यहाँ पर कुछ स्पीड होगी और यहाँ पर ये इसकी स्पीड जीरो हो चुकी है, तो मैंने वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके काम करना चाहा, लेकिन उसके लिए फिर मुझे ए चाहिए था। तो ए मैंने निकाला काइनेटिक फ्रिक्शन के थ्रू, मैंने कहा यार काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो बुलेट ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है उसके बराबर होगा। अब चूंकि ये फोर्स एक रिटार्डिंग फोर्स है क्योंकि ये ब्लॉक जाकर के रुक रहा है, तो मैंने कहा ये रिटार्डिंग फोर्स जो है एफ के बराबर होगा। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल ली -0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी मदद से आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया और आपने इसकी पूरे सिस्टम की स्पीड का पता लगा लिया। जब पूरे सिस्टम की स्पीड आ गई तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू आपने इस बुलेट की स्पीड का पता लगा लिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बड़ी मेहनत से सॉल्व किया है, होप सो इन्जॉय किया होगा आपने।